40 बरस पहले के हालात और आज के हालात में क्या मुमासिलत है, उसमें मैं आपने सुना रहा हूँ, शिरकत करेंगे। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो, होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। साहब लगेगी आग, लगेगी आग तो आएंगे घर के जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर के जद में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर के जद में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है साहब, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। क्या करें, ये दो शेर बीच में अचानक याद आए, ये भी फरमाइश नहीं है, मैं वापस यहीं पर आ जाऊंगा कि हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, याद रखना, अगर भूल जाओ तो मुझे याद दिला देना। कभी किसी गजल में मैंने दो शेर कहे थे, इसकी भी आपने बहुत फरमाइश की है, जितने भी आप अभी खासतौर पर शरीफ भाई और गुड्डू भाई दोनों यहाँ पर खुशी करता हूँ, तो दोनों खुशी हैं। हालांकि यहाँ शरीफ भी नहीं और गुड्डू भी नाम भी नाम भी नहीं, लेकिन सुनिए, कहा है कि मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है। मुझे अच्छा लगता है जब आप शायरी सुनाते हैं तो आप शायरी सुनने लगते हैं। मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है, तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है, तुझे मरल है कि तू बार बार तुझे जुबान कतरना बहुत जरूरी है, तुझे मरल है कि ये बहुत पढ़े लिखे किस्मों के जो शायर होते हैं, अल्लाह का ग्रामर नहीं है यहाँ पर, उसमें ग्रामर की बहुत गलतियां निकालते हैं सर, नहीं ये ग्रामर की मिस्टेक है, ये रूस का चक्कर है, ये बैर का चक्कर है, तुझे पहले जुबान का चक्कर है, तो कहने लगे राहत भाई ये जो शेर आपने कहा है इसमें जुबान की गलती है, तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है, कहने लगे ये कतरना नहीं होता है, तेरी जुबान कतरनी बहुत जरूरी है, ये होती है। मैंने कहा मिया ये मैं जिस जुबान की बात कर रहा हूँ वो इतनी लंबी है उसकी कतरनी से काम ही नहीं चल सकता। शेर कहा कि तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है, तुझे मरज है कि तू बार बार बोलता है। साहब कुछ और काम इसमें शिरकत कीजिएगा कि कुछ और काम अपने सच्चे और महबूब लीडर के लिए शेर पढ़ रहा हूँ, कुछ और काम तो जैसे उसे लगता ही नहीं। तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है, तुझे मरज है कि तू बार बार बोलता है, कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार है। चार शेर और हैं, अगर सीटी बचना बनी है तो मैं
और मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मेरे पैसे इन्होंने दे दिए पहले। तो अगर सीढ़ियां बजी एक भी हो तो मैं बैठ जाऊंगा, मेरा नुकसान नहीं होगा। मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह तेरी जान थोड़ी है। हथेली में जान थोड़ी है, और जो आज साहिब मसलत है कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसलत है कल नहीं होंगे। ये जैसे हमारे नौ आलम हमारे भाई कराए बेटे तो ये से निजामत कर रहे हैं, ऐसे ही दिल्ली में एक प्रोग्राम चल रहा था, उसकी इंतजामत कर रहे थे अशोक चक्रधर, हिंदी के बहुत बड़े राइटर हैं। तो मैं रुक गया जब भी मैंने लाइन पढ़ी कि जो आज साहिब मसलत है कल नहीं होंगे। मैंने उनसे कहा कि अशोक भाई, ये साहिब मसलत को हिंदी में क्या कहते हैं बता दें ताकि सब लोग इंजॉय कर पाए। तो उन्होंने परेशानी पर और कहा कि सत्ताधीश। तो मैंने कहा फिर तो रहने दो, साहिब मसलत ही ठीक है। मैंने ये कहा है कि जो आज साहिब मसलत है कल नहीं होंगे, ये आज आ रहे हैं राती मकान धोने। जो आज साहिब मसलत है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। शेर बहुत मकबूल हुआ, मशहूर भी हुआ, जो इतने एहतजाज हिंदुस्तान भर में चल रहे हैं, उसकी एक लाइन बनाकर पूरा हिंदुस्तान रेंग रहा है, आपने देखा भी होगा। अफसोस इस बात का भी होता है कि ये शेर अखबार वालों ने, मीडिया वालों ने और उन लोगों ने जो सिर्फ यही चाहते हैं इस शेर को किसी मुसलमान का शेर बना दिया। ये ना मुसलमान का शेर है, ना हिंदू का शेर है, ना सिख का शेर है, ना ईसाई का शेर है। हर उस आदमी का शेर है जो अपने मादर वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए हर लम्हा हर वक्त अपनी जान देने के लिए तैयार है। जो आज साहिब मसलत है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप है।